नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन पेज गांव की सरकार आपकी सरकार में आज उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे बीच में है महासचिव किन्नौर कांग्रेस के जुझारू नेता और सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े रहते हैं, सामाजिक चीजों से वो जुड़े रहते हैं। सुखदेव नेगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ। इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया करें, और जितने भी सवाल आप लोग करना चाहे हमारे कमेंट के द्वारा कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें। तो मैं मंच में बुलाता हूँ हमारे आज के अतिथि आदरणीय सुखदेव नेगी जी को। नमस्कार सर, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है। सर, गांव का विकास, गांव की सरकार की ये जो हमारा प्रोग्राम चला है, इसमें आपका स्वागत है सर। अपना माइक माइक म्यूट है सर, थोड़ा सा। आपकी वीडियो भी शो नहीं हो रही है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जी 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 आ गया सर, आ गया। जी सर, अनम्यूट तो नहीं, देखो तो सर, मैंने यहां से कर दिया, आपका दोबारा अनम्यूट तो नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट, आवाज आवाज निक आवाज बोलिए सर। बोलिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वीडियो स्किल है, वीडियो नहीं आ रही आपको। आपको वीडियो नहीं आ रही आपको सर? वीडियो नहीं आ रही सर? नहीं, खाली वॉइस ही आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ जी सर, जी सर, नहीं वो वैसे ही है, सिर्फ खाली साउंड ही है। आपने कैम तो आपने नहीं किया? कैम मेरे तो यहाँ नहीं तो किया, आप मेरे आ यहाँ रहे तो हो। आप आ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने तो। आप ऐसे आप कीजिए, ऐसे मैं कीजिए, आपको मैं रिमूव आपको करता हूँ, रिमूव दोबारा करता हूँ, दीजिए सर। दोबारा दीजिए सर। ठीक है सर। तकनीकी प्रॉब्लम है, तकनीकी प्रॉब्लम में थोड़ी पहले हमने चेक किया था, बिल्कुल ओके थे, लेकिन बीच में दिक्कतें आ जाती है। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे सुखदेव नेगी जी, उनके विचारों को समझेंगे, उनके उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे। हाँ सर, हाँ अब सर, आप अब आगे आप आगे थोड़ी थोड़ी सी वॉइस सी देख लें सर, वॉइस देख जो लें सर, आपकी जो वॉइस आपकी थोड़ी वॉइस कमजोर थोड़ी जैसी कमजोर है। जैसी है। बिल्कुल, अब आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर है रामवल जी। ठीक ठीक है सर, है तो सर, सर मंच तो सर में मंच में आपका आपका स्वागत स्वागत है। है। एमसीएन रामवल पेज एमसीएन पेज आप किसी आपको आपके सभी जो दर्शक हैं, हमारे भाई हमको सुन रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो क्रिसमस है उस त्योहार की आपको मैं, ये पूरे यस वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी से बाहर निकलने में चाहे हमारे भगवान है, चाहे यीशु मसीहा जी है, चाहे जो भी है, हमारी सहायता करें। और साथ ही साथ आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की का भी आज जो है जन्मतिथि है, तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन
हमारे जो पूर्व में राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह जी, उनकी पुण्यतिथि है। और आज के दिन हमारे हिंदुस्तान के कई जगह पर जो है तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी पूजन का दिवस भी मनाया जाता है। तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है। और सबसे बड़ी बात यह कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर आज गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और इस दिन आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ एमसीएन परिवार को कि एक बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। हमारे जो किन्नौर के अंदर कई प्रतिभाशाली लोग हैं, कई बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आप मंच प्रदान करें। वो राजनीति का क्षेत्र हो सकता है, संगीत का क्षेत्र हो सकता है। आज दिन को भी मैं देख रहा था आपने एक काव्य बोल चलाया था, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, समाज के अंदर जागरूकता ला रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप सिर्फ पंचायत इलेक्शन तक ना रखें, बल्कि इसको आप आगे ले जाएं। उसके बाद जैसे हमारे कई प्रधान बनते हैं, वार्ड पंच बनते हैं, या जिला परिषद आते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनसे भी आप बातचीत करते रहें। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास जी एमसीएन जी परिवार का, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अब आप जी आगे सुखदेव सर करिए। जी, हमारा सुखदेव सर जी, प्रयास हमारा यही प्रयास रहेगा यही कि रहेगा आगे कि भी आगे ये भी ये किन्नौर में जो किन्नौर लोगों के में जो साथ हम लोगों के साथ जुड़े हम रहे, जुड़े रहे, जब तक कि जब लोग तक जुड़ कि रहे मैं लोग छोटी छोटी सी सी रचना रचना आज आज हमारे हमारे भारत रत्न अटल भारत जी रत्न तक अटल जी के पहुंचना पास हुआ। सुनाऊंगा। महान शख्सियत है हमारे हिंदू। क्रिसमस डे है, सबको मेरी ओर से क्रिसमस की बधाई, और अटल जी के जो पुण्यतिथि पर भी सबको बधाई। मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि जो हमारा पेज है, ये राजनीतिक दलों के लिए प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। इसमें कोई भी सामाजिक जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आ सकता है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो साहित्यकार हो, या फिर किसी अन्य फील्ड से जुड़ा हो। तो ये सब के लिए मंच है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि बगैर राजनीति के हम भी अधूरे, क्योंकि राजनीति के बगैर हमारा जीवन चलता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमारे राजनीति से ही जुड़ता है। जिसका जिसका आजकल जो है मुख्य जो हमारा पंचायती चुनाव चल अब शुरुआत हो चुका है, इसकी बिगल बज चुकी है। जब पंचायती चुनाव है, तो पंचायती चुनाव के ही मध्य पर ही हमारी ये जो है चीजें चलती रहेगी। जैसे पंचायती चुनाव खत्म हो जाएगा, हम दूसरी चीजों पर आएंगे। तो रचना को लेकर आया हूँ। तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। टूटे हुए सपने जो जोड़े थे, जो रोम रोम में बसे थे। टूटे हुए सपने जो जोड़े थे, जो रोम रोम में बसे थे। नमन है युग पुरुष, तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। नमन है युग पुरुष, तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। जो हार ना माने कभी, हाँ, जो हार ना माने कभी, मौत भी पूछ कर आए ले जा अब। जो हार ना माने कभी, मौत भी पूछ कर आए ले जा अब। नमन है क्रांतिकारी लौ पुरुष, तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। नमन है क्रांतिकारी लौ पुरुष, तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। सबकी आंखें जो तुम नम कर गए, हाँ, सबकी आंखें जो तुम नम कर गए। कभी दुश्मनों को भी आंख ना दिखाए, तुम हिंदुस्तान के वीर नव निर्माण पुरुष थे। सबकी आंखें जो तुम नम कर गए, कभी दुश्मनों को भी आंख ना दिखाए, तुम हिंदुस्तान के वीर नव निर्माण पुरुष थे। आजाद देश के आत्मा तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। हाँ, आजाद देश के आत्मा तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। शून्य से सफल जीवन के रंगमंच पर जब से आए तुम, शून्य से सफल जीवन के रंगमंच में जब से आए तुम, गीतों गजलों से तुमने अमन शांति का पैगाम दिया। हाँ, गीतों गजलों से तुमने अमन शांति का पैगाम दिया। नमन है युग पुरुष, हाँ, नमन है युग पुरुष, तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। तुम अटल थे, अटल ही रहोगे। छोटी सी रचना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले कमेंट्स देखता हूँ सर, कितनी सारी कमेंट्स आए हैं। सुखदेव जी, कांग्रेस के अच्छे लीडर है। पंचायत इलेक्शन में जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट होंगे, उनकी पहचान कैसे होगी? वैसे मैं भी कांग्रेस के विचारों से परिचित हूं। इस पर प्रतिक्रिया सर। नहीं, अच्छा सवाल है हमारे वाईजी नेगी जी का। पर आप देखो, अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों को देखना चाहते हैं तो वैसे तो बोलते हैं कि वो हमारे
जो ये ग्राम सभा के चुनाव होते हैं भाई, इसमें पार्टीबाजी नहीं चलती है, पर इंटरनली कहीं ना कहीं इसमें, चाहे कोई भी पार्टी होती है, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबका इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंस रहता है। तो मुझे खुशी होती है कि जो कांग्रेस पार्टी है, हम ऊपर से कैंडिडेट को थोपते नहीं है, हमारे ग्राम जो अध्यक्ष बनाए हैं VCC, जो हमारे जो बड़े भाई हैं, आधुनिक किन्नौर के निर्माता भी हम उनको बोलते हैं, तो जगत सिंह नेगी जी एक सोच थी, उन्होंने पावर दी है गांव गांव में, प्रत्येक गांव में हमारी विलेज कांग्रेस कमेटी है, उसके अंदर उनकी बैठकें होती है, और वहां पर वो लोग आकर जो हमारे कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, वही निर्णय करते हैं कि किसको प्रधान बनाना है, किसको BDC भेजना है, किसको जिला परिषद भेजना है। तो आप अपनी ग्राम कांग्रेस कमेटी के साथ समन्वय बनाकर उनसे बात करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी सिंबल पर तो चुनाव होता नहीं है जी, कौन पार्टी का है कौन पार्टी का नहीं है, तो इसलिए बड़ा आसान तरीका है और पूरा डेमोक्रेटिक राइट है, हम थोपते नहीं है, हम चाहते हैं ग्रास रूट से लोग आगे आए। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई कांग्रेस BJP का मंच नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम किसी तरह के विवाद में सर, आए। मैंने मैंने सर देखा है, बताइए। हाँ मैंने देखा है, जी, मैंने देखा गांव मैंने पर, गांव के देखा गांव पंचायत पर, में गांव के कांग्रेस पंचायत और में बीजेपी कांग्रेस दोनों और रोल मॉडल बीजेपी करते हैं, दोनों रोल आप मॉडल करते हैं, अपने लेकिन ये प्रतिनिधियों होता है को अपने आगे लाते प्रतिनिधियों को हैं, आगे लाते हैं, लेकिन उस बीच में लेकिन गांव उस में बीच पराली में का गांव में होनहार पराली भी का होता है, होनहार वो भी उठता होता है, है वो उठता लेकिन है, कांग्रेस लेकिन और बीजेपी कांग्रेस के और चक्कर में BJP वो के हार चक्कर में जाता है, वो तो हार इसका जाता है, मुख्य तो कारण इसका क्या मुख्य कारण क्या ये दोनों ये पार्टियां दोनों मतलब पार्टियां चाहती नहीं कि मतलब कोई चाहती नया नहीं कि चेहरा कोई आए नया और चेहरा आए और विकासशील विकासशील वाला कोई वाला कोई व्यक्तित्व आए, व्यक्तित्व तो आए, लेकिन यहाँ पर लेकिन होती है यहाँ पर होती आपकी है और आपकी कांग्रेस और और बीजेपी कांग्रेस और अपनी BJP गरिमा की अपनी लगी गरिमा होती की है। लगी होती है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, ऐसा नहीं है, पर चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि भाई कोई गलत जो है उम्मीदवार आगे आए। और जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें हमारे लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना होगा, हमारे लोग भी उस टाइम क्या देखते हैं भाई, इसकी रिश्तेदारी कितनी है, इसके गांव में, गांव से गांव में शादी होनी चाहिए, गांव में ही ससुराल होना चाहिए, या जो भी वहाँ मौसरे होने चाहिए। आपको पता है इसमें भी बड़ा कुछ जाति का फैक्टर रहता है, बरादरी का फैक्टर रहता है, भाई भतीजावाद हावी रहता है। तो ये क्योंकि हम पार्टी सिंबल तो किसी को देते नहीं है, तो और आपने देखा कि बहुत से जो चुनाव होते हैं वो कई कई उम्मीदवार हमारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जी नहीं पार्टी के दम पे नहीं जीत सकता मैं, तो इसमें क्या होता है कि जिसका गांव में लिंक है, रिश्तेदारियां हैं, ये सब चीजें काउंट की जाती है। तो ये जो चुनाव होता है ये गांव के रिश्तेदारियों पर ही होता है, भी आपके गांव में कैसा है, आपका आना जाना, रिश्तेदारी कितना है, फैमिली कितनी है, मतलब पूरा इसमें परिवारवाद मान लो चाहे आप जातिवाद मान लो, सब कुछ इसमें चलता है, भाई भतीजावाद, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस कारण क्या होता है कि कई पढ़े लिखे अच्छे लोग, हमारे कई नौजवान लोग हैं, वो भी इस चीज से रह जाते हैं। इसके लिए हमें भी दुख होता है कि हमको एक अवेयरनेस लाना होगा हमारे लोगों को, चाहे हमारी किन्नौर की जनता है चाहे हिमाचल की जनता है, जो पंचायत चुनाव होते हैं उस समय भी सोचना होगा कि जब हम प्रधान का चुनाव करते हैं वो डिसाइड करता है आने वाला 5 साल गांव के लिए कैसा रहेगा, तो उस समय हमको देखना होगा कोई ईमानदार जिसकी अच्छी सोच हो गांव को कि मैं कैसे सुंदर बनाऊं। आपने शुरू में जैसे कहा कि भाई जो आप एक लोग जो आप ये चला रहे हैं कि हमारी क्या गांव की सरकार क्या है, आपका ये जो आप चला रहे हैं आपकी कार्यक्रम सरकार, में, आपकी गांव की सरकार, गांव सरकार सरकार, आपकी गांव सरकार, सरकार, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप सरकार कैसे चुनते हैं, कैसे लोगों को आगे लाते हैं, तो ये हमारे लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ दिखाना होता है जी मैंने प्रधान बनना था, मैंने BDC बनना था, काम करने का उनको शौक नहीं होता है, अपने अंदर जील होनी चाहिए। और जब हमारा समाज जागेगा, ऐसे अच्छे लोगों को आगे लाएगा, तो नेचुरली बदलाव भी होगा। तो ऐसा नहीं है, अब आपने देखा होगा ना सवाल है सर, राम भगत सवाल है जी, सर, इस समय जो ये जो 5 साल रहे इसमें मैं कांग्रेस BJP की बात नहीं हूँ, दोनों ही पार्टियों के कई जो हमारे नौजवान प्रधान हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए और बहुत सारे पंचायतों का विकास हुआ है, बहुत अच्छे कार्य जिला किन्नौर के चाहे किसी भी पार्टी का हो अच्छा काम किया, जिसने अच्छा काम किया अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, उसकी तारीफ प्रशंसा होनी चाहिए। सर जी मेरा सवाल है, ठीक है कि पार्टी के हम चुनावी उस पर हम लड़ते नहीं है, लेकिन पार्टी प्रचार के लिए तो आगे आती है। मैंने देखा कि प्रधान के प्रचार के लिए मतलब सारे जो अपने पार्टियां चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP को सारे उतर जाते हैं ग्राउंड में, कि मतलब मान लेते मैं कैंडिडेट हूँ और मैं कांग्रेस का हूँ या BJP का हूँ, तो मेरे पीछे सारे आपके प्रचार के लिए आएंगे।
ऐसा क्यों है? अगर तो सिंबल नहीं है तो प्रचार के लिए भी आना नहीं चाहिए, वो खुद अपनी ओर ग्राउंड में जाए और लोगों को समझाए, मैं सक्षम हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं गांव के लिए तैयार हूँ, लेकिन पार्टी बीच में आ जाती है। नहीं, आपका रामवल जी अच्छा सवाल है, इसमें कोई नहीं है, पर ऐसा होता है कि हर प्रधान को किसी ना किसी एक विचारधारा से, एक पार्टी से, एक सोच से जुड़ना तो पड़ता है, बिना उसके तो उसका भला होगा नहीं। तो इसलिए एक विजन को लेके तो आगे चलना पड़ता है। मान लो आज हम अपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपना जो हमारी विलेज कांग्रेस कमेटी है उसके अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं, पर एक हमारे पास विजन है कि हम गांव के लिए विकास करना चाहते हैं, या जो हमारे ऊपर की लीडरशिप है अगर हम जीतते हैं तो भाई जैसे हमारे आगे विधायक महोदय हैं उनके अंदर काम करने की जील है, एक हम टीम बनाते हैं भाई, अगर कांग्रेस के लोग आएंगे तो कांग्रेस का ये विधायक है, एक हमारी अच्छी सोच है, उस सोच को लेके आगे। तो राजनीतिक इच्छा तो होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए क्या करेंगे, क्या प्रोग्रामिंग है, बिना उसके तो चलेगा नहीं, क्योंकि किसी ना किसी विचार से तो जुड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री तो नहीं होती, इनडायरेक्ट रूप में तो होता ही है, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, वामपंथी, कोई ना कोई जो है विचारधारा तो चलती है और ये तो चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए, पता भी लगे कौन सी पार्टी का क्या विचार है, कैसे कर सकता है। मेरा सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि जब से हम आजाद हुए हैं, किन्नौर क्या पूरे राजनीति में थोड़ा सा बदलाव हुआ है? अब लोग अच्छे चेहरों को आगे लाना चाहते हैं? हाँ, अब आप देखते होने, अभी जो मैं आपको पहले भी बताया कि जो अभी जो पिछला ये 5 साल अब खत्म हो रहे हैं पंचायतों के, अंदर बहुत अच्छे पंचायत आ रहे हैं, लोगों की सोच भी बदल रही है, अब वो मुर्गा चिकन वाला पैसे का लेन देन जो है इतना नहीं है, कहीं कहीं अभी कुछ है, तो इसलिए वो थोड़ी पंचायतें पीछे भी है, अब लोग जो है काफी अवेयर हो गए हैं, कुछ तबका है जहां पर अभी ये नहीं हो रहा है, पर अब बदलाव आ रहा है, आप देख रहे हो उन्हें पंचायतों के अंदर भी, इस बारी प्रधानों ने कहीं 1-1 करोड़ की पंचायत की बिल्डिंग बनाई, आप किलवा के अंदर जाएंगे देखें हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने इतना बड़ा महिला मंडल भवन बनाया, तो जागरूकता अवेयरनेस आ रही है, अब लोगों को भी लग रहा है, पहले तो ये इसी पे चलता था भाई ये पुराना आदमी है, ये खानदानी आदमी है, ये ऐसा कुछ सिस्टम होता था, ऐसा नहीं है, पहले ताकतवर लोगों को ही लोग ताकत देते थे, पर ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी आ रहे होने, आप भी अपने जो हमारा निचार ब्लॉक है उसके अंदर ही देखते होने, कई नए चेहरे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वहां पर आए हैं नए लड़के, आगे आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, बदलाव आ रहा है, पर धीरे धीरे बदलाव होगा, पर काफी बदलाव हो चुका है, 15-20% अभी है, बाकी हो जाएगा, अच्छी बात है, अब लोग काफी शिक्षित हो चुके हैं। सवाल ये सर मेरा कि आप देखते होंगे कि जब कोई पंचायत में प्रधान उठता है, पहले के प्रधान थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका रहन सहन, पहनावा, उसकी बोलचाल हर चीज में अलग होता है, लेकिन जब वो 5 साल के बाद आता है तो उसका रहन सहन परिवर्तन बदल जाता है। मात्र अब तो शायद मेरे को लगता है कि मासिक 6,000 का वेतन होगा, लेकिन वो अगले 5 साल के बाद करोड़ों की संपत्ति बना लेता है, वो कहाँ से आ जाता है सर? कुछ इन पर प्रकाश डालेंगे सर? नहीं रामोद जी, ये भी आपका अच्छा सवाल है, ऐसा होता है, इसके लिए हमको ग्राम वासियों को भी जागरूक होना होगा, अगर हमारे अंदर कमी नहीं होगी तो प्रधान भी गलत नहीं कर सकता है, हम जो है जैसे किन्नौर में रहते हैं भाई, भाई भतीजावाद है, रिश्तेदार ये बोल नहीं सकते, देवी देवता है बोल नहीं सकते, जिस कारण उनको एक खुली छूट मिलती है, पर ऐसा नहीं है, इस बारी आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे प्रधान है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है, कुछ लोग आते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, कुछ तो आप देखना अभी बीडीसी के चुनाव होते हैं जीत जाएंगे, फिर मेंबरों की खरीदा फरोख्त शुरू हो जाती है, कहीं घुमाने ले जाओ, कोई विचारधारा से भटक जाता है, मुझे वाइस चेयरमैन बना देंगे, तो कुछ गंदगी तो है, अभी गंदगी साफ हो रही है, आपको अब एक मैं अब आप बोलेंगे भी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, आपको आरटीआई का हथियार दिया है, आप आरटीआई लगा सकते हैं, कई प्रधान इसमें सस्पेंड भी हो रहे हैं, कईयों को रिकवरियां लग रही है, एक हथियार हमको दिया गया है, उस हथियार का इस्तेमाल करना होगा, सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे ग्राम वासियों को, क्योंकि जो भ्रष्टाचार शुरू होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सबकी मिलीभगत से होता है, जो हम वार्ड पंच चुनते हैं, तो मतलब ये एक सोच समझ के हमको जब भी हमने उम्मीदवार का चयन करना है तो ये देखना है अभी कौन सा अच्छा उम्मीदवार है, या क्या उसकी सोच है, कौन सी विचारधारा है, मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा हूँ, तो ऐसा है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार भी बहुत है,
क्योंकि अब जो आप देख रहे हो ना, कई जगह पंचायत प्रधान बनने की क्यों होड़ लग रही है, पैसा बहुत आ चुका है। आज की डेट में पंचायतों के पास इतना पैसा है वो खर्च ही नहीं कर सकते हैं। मनरेगा का पैसा हो, 14 वित्त आयोग का पैसा हो, पैसा दुनिया भर का है। तो कई लोग तो दुकानदारी चलाने आते हैं अपने, उसके लिए आप और हमको, तभी मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक अच्छी पहल है। आप कोशिश करें जब प्रधान बन जाएंगे, ऐसे आप अलग अलग पंचायत के प्रधानों को या किसी को बुलाकर आप मंच से उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करें, उनसे बातचीत करें, तो एक अच्छा आपकी पहल है। और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल तरक्की करे, ताकि एक जवाबदेही हो, जहां पर आप एक जवाब मांग रहे हैं लोग, तो ये अवेयरनेस लाना पड़ेगा, आरटीआई लगाना पड़ेगा, थोड़े सख्त होना पड़ेगा। पर हम रिश्तेदारियों में फंस जाते, तब बोल नहीं पाते, बेशक 5 साल के बाद छाती पीटते रहते हैं, यार ये देखो जी क्या था, आज क्या बन गया, गाड़ी बंगला ऊंचा स्टेटस हो गया बन गया। तो थोड़ी सी हम सबकी कमियां भी है, पर अब काफी बदलाव आ रहा है, अब भ्रष्टाचार करना भी इतना आसान नहीं रहा है। सर, मैंने अभी जो आपने कहा कि हमारे पास इतने सारे बजट आए हैं, तो मैंने तकरीबन कई पंचायतों का बजट खंगाला, ई जो ई ग्राम में आता है उसके द्वारा। तो सर, तकरीबन सारी पंचायतों ने बजट को खत्म किया हुआ है, कहीं रोडों में, कहीं नालियों में, कहीं किसमें, कहीं किसमें, कहीं भी बैलेंस नहीं है सर। उड़नी पंचायत के अलावा उड़नी में थोड़ा बहुत बैलेंस दिखा। तो इस मतलब इस पे हाँ जी, जी, आपके लिए कमेंट्स आया, आपके लिए कमेंट कमेंट पढ़ते हैं आया, सर। कमेंट पढ़ते सर। अच्छी, सुखदेव जी, इट इज ए कॉन्फ्रेंड दैट देयर द फंक्शन इज द बोथ मजोर पार्टीज एंड इवन विलेज एंड विज ग्रेट हार्मफुल डेवलपमेंट सो हैज कैन बी रिजॉल्व इशू दी ग्रास रूट लेवल। सर, ग्रास रूट लेवल पर बता रहे हैं कुछ पंचायती, उस पर ही आप कुछ बताएंगे सर इस पर? पंचायत के चुनाव में अब एक मिनी संसद है, इसका चुनाव भी जरूरी है। और इस पे जो है हमको प्रतिनिधि को चुनना भी होता है, इसमें बहुत सारा फैशनबाजी भी आ जाती है, गांव भी खराब हो जाता है। तो हम सबको मिलके एक समन्वय बनाना चाहिए कि भाई इसको भी हम जो है रिश्तेदारी से नहीं जोड़े, एक अच्छे आदमी को लाए। और ये जो हम ये पंचायत का इलेक्शन एक बार होता है, 5 साल के लिए सारी रिश्तेदारी जो गांवदारी खराब हो जाती है। बल्कि मैं आज एक दिन को वीडियो देख रहा था कि भाई पंचायत इलेक्शन के रुझान आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ बहस कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं, इस चीज को हमको समझना चाहिए कि हम सबको मिलकर एक अच्छा उम्मीदवार लाना है। और कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स करके किसी को कुछ नहीं मिलता है। हम एक अच्छे अपना जो भी आदमी है, चलो मैं अगर कहीं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा क्या फोकस है, क्या विजन है, गाँव के लिए मेरी क्या सोच है, उस आइडियोलॉजी को लेकर, उस सोच को लेकर, उस विचार को लेकर गांव में हमको जाना चाहिए। उनसे हमको बहस नहीं करनी चाहिए, अपना अपना प्यार से चुनाव कैंपेन करें और गांव का माहौल भी बनाए रखें। देखो चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हमको जो संविधान ने अधिकार दिया है, अपनी बात रहने का भी सबको अधिकार है। तो प्रेम भाव बना रहे, आप अपना प्रचार ईमानदारी से करें, तो मैं तो आपको यही करूंगा। और ग्रास रूट पे भी यही, अभी जब जीत गए उसके बाद चाहे कोई भी जीते, आप सरकार से कितना बेनिफिट लेते हैं ये देखो कि हमको हमारे गांव के लिए रोड चाहिए, कहीं आप देख रहे हो ना, कहीं कंडो में रोड जा रहा है, विधायक जगत सिंह ने जितना कार्य किया, जो हमारा कल्पा का एरिया है वहाँ, या सांगला का एरिया है, कहीं या पूब ब्लॉक के भी गांव हैं जो कंडो से जुड़ रहे हैं। तो ऐसा कंपटीशन की भावना हमारे निचार ब्लॉक के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो है तरक्की और उन्नति में बहुत पीछे रह गए हैं। अभी हमारे सिर्फ गाँव ही सड़क संपर्क मार्ग से जुड़ पाए हैं, तो उनको हमको कंडो से जोड़ना है, क्योंकि जो हमारी अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि, या जहाँ हमको सेब का वैल्यू मिलेगा, वो जमीनें हमारी ऊपर है। एक पॉजिटिव सोच के साथ हमको चुनाव में उतरना चाहिए, गांव के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए। फ्रैक्शन वाइज से कुछ नहीं होगा भाई, जब हम जीत जाते हैं उसके बाद गांव को मिलकर चर्चा करनी चाहिए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ राम भगत जी, थोड़ी गलती तो हमारी भी होती है। वो प्रधान का कोई इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ जी आप क्या खिला पिला रहे हैं, शाम को आप पार्टी दे रहे कि नहीं दे रहे, जीत गए फिर बोलेंगे जी आप पार्टी दे रहे कि नहीं, बकरे काटो जी, फलाना काटो। भ्रष्टाचार तो हम अपने लेवल पर ही शुरू कर रहे हैं ना, कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप? कोई प्रधान लड़ेगा जी आप, हाँ जी मुर्गा बोतल शुरू हो गया जी, अब क्या करना? भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? जब आप और हम बोलेंगे जी बिल्कुल सिंपल तरीके से चुनाव होना चाहिए, आप अपील करने आओ, वोट मांगो और जाओ,
क्योंकि 5 साल भी तो आप शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, घूमते हैं, गाड़ी में कुछ है, आप अपने जेब से करते हैं ना, 10-15 दिन में क्या हो जाएगा। इस चीज को हमको देखना पड़ेगा और हमको खुद जागरूक बन के अपने गांव की तरक्की के लिए सोचना होगा। आपके लिए सवाल आया सर, ये अरुण वेतरान जी का एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कृपया करके जरूर रिप्लाई करें। गांव के विकास कार्य के लिए बड़े नेता युवा वर्ग को बहुत महत्व देते हैं, किंतु सच्चाई बिल्कुल अलग यह है कि पंचायत लेवल पर युवा वर्ग तुम छोकरे बोलते रहते हैं, उनकी बातों को ऐसा बोलकर दरकिनार किया जाता है। कहाँ तक यह सही है, जवाब जरूर दे सर। ये जो हमारे छोटे भाई अरुण जी हैं, बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, ऐसी समस्याएं आती रहती है। पर ऐसा है अरुण जी, अच्छी बात है, नौजवानों के अंदर एक जोश होता है काम को करने का, मतलब एक उत्साह होता है, एक एनर्जी होती है, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। हमारे जो सीनियर है उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हम नौजवानों को मौका देंगे तभी वो सीखेंगे। पर हमको एक मिलके ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पर हमारा नौजवान भी हो, जो अनुभव भी जरूरी होता है, कुछ अनुभवी लोग भी हो, उस अनुभव के नीचे रहकर वो सीख सके। तो हमारे को आपस में बैठ के एक समन्वय बनाना चाहिए कि प्रधान को ही हम अनुभवी आदमी को दे रहे हैं, उप प्रधान किसी नए आदमी को देते हैं, कुछ वार्ड पंच में लाते हैं ताकि वो सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा होता है जैसे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और बाद में जब कुछ होगा तो बोलेंगे यार तुम नौजवान लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को गाँव की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो नौजवान बोलता है कि जब मैं आगे आता हूँ तब बोल देंगे जी भैया तुम छोकरे अभी क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाओ, अभी तुम्हारा कार्य नहीं है। उससे मैं सहमत हूँ, पर हम सबको मिलके नौजवानों को भी मौका देना होगा, क्योंकि नौजवानों के अंदर एक उत्साह होता है कि वाकई मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है। तो अरुण जी के लिए मैं सलाम, और चाहता हूँ कि आप जैसे लोग आगे आए और अच्छा कार्य अपनी पंचायत के लिए करें। आपके लिए सवाल है सर विवेक नेगी जी का, क्या पंचायत इलेक्शन में पार्टी को देख के ही वोट करना चाहिए या कि उम्मीदवार देखना चाहिए? आप तो खड़े कर लेते हो। राजनीतिक आदमी होने के नाते मैं आपको यही कहूंगा कि भाई पार्टी को भी देखना होगा, पार्टी की क्या विचारधारा है। बाकी चलो इंसान के अंदर भी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो तो आप पर निर्भर करता है कि भाई कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है। आपको लगता है कि इस पार्टी का जो उम्मीदवार है विचारधारा उसकी अच्छी हो सकती है, पर ये आदमी सही नहीं है, तो फिर आप उस पर अपना निर्णय चेंज भी कर सकते हैं। वोट देने का आपका अधिकार है, वोट मांगना हमारा अधिकार है, आप किसको वोट दे नहीं दे। पर ये कि पार्टी की विचारधारा भी बहुत जरूरी होती है, बिना विचारधारा के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता, एक विचार के साथ तो इंसान को जुड़ना ही पड़ता है। मेरी ओर से निजी सवाल है सर, आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं किन्नौर से, और आप लाल सलाम को लाल सलाम करते थे, उस बीच में क्या तब्दील आया कि आपने एकदम ही परिवर्तन करके आप दूसरी पार्टी से जुड़ गई? मेरा ये कहना नहीं कि कांग्रेस खराब है, लेकिन क्या रहा कि आप लाल सलाम को छोड़ गए? बहुत अच्छा सवाल आपने राम भगत जी उठाया हुआ है, और अब तक का मैं आपको बेस्ट सवाल बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है इसको आप तो क्या, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मित्र हैं, मैं किसी की बात को दिल पे नहीं लेता हूँ, ये अपनी पहले से क्या हमसमुख है, और राजनीति में किसी की बात को दिल से भी नहीं लेना चाहिए, और सब हमारे कोई छोटे भाई है कोई बड़े भाई है। वो भी जब अलग अलग मंच पे हम बात को विषय को उठाते हैं वो यही बोलते हैं ये लाल सलाम वाले हैं कब इधर आ गए। तो चलो एक विचारधारा से हम जुड़े, हमने उसका कार्य किया, कॉलेज टाइम में भी हम रहे, हमने विधायक का विधानसभा का चुनाव भी 2003 में लड़ा। उसके बाद अगर मैं उस पार्टी में रहते हुए उस पार्टी से अगर मैंने कांग्रेस पार्टी में कोई समझौता करके गया होता तो ये लोग मुझे बोल सकते थे। 2003-04 के बाद मैंने अपने कुछ घर की परिस्थितियां होती है, मजबूरियां होती है, एक हम छोटे से मध्यम वर्गीय घर से आते हैं, तो अपने बिजनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कबीर रामगढ़ जी, हमने साथ साथ काम भी किया है। तो 2003 से लेकर 2015-16 तक बिल्कुल मैं राजनीति छोड़ चुका था, और उसके बाद जो हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी हैं, 2017 में मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। आज मुझे खुशी होती है कि कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बहुत मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं रातों रात पार्टी छोड़ के आ गया, मैं 2003-04 के बाद बिल्कुल राजनीति छोड़कर अपना जो है व्यवसाय कर रहा था, व्यापार कर रहा था जैसा भी, क्योंकि चलो हमें भी अपना घर परिवार चलाना होता है। उसके बाद जब जगत सिंह नेगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए,
ये भी मैं बताता हूँ कि 2003 में मैं उनके अगेंस्ट ही चुनाव लड़ा था मैंने, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। पर जब उन्होंने अच्छे कार्य किए, हमारे निचार ब्लॉक के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, मेरे गांव वाले कब से पैदल चलते थे है, तो जब हरामनी के लिए सड़क आई, जानी के लिए सड़क आई, पानवी के लिए सड़क आई, त्रंडा के लिए सड़क आई, छोटा कंबा, बड़ा कंबा, गरशू, आज लोग आराम से जा रहे हैं, नाथपा जा रहे हैं। जब हमको ये लगा कि कोई इतना कार्य कर रहा है, तो भाई जो हमारे पास है, हमें भी जैसे लोगों ने बोला जी आपको कार्य करना चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि आप जो है उनके साथ रह के, देखो विचार आपके कभी बदल नहीं सकते रामक जी, विचार आपके वही रहते हैं। हमारा विचार शोषण के खिलाफ पहले भी था, अभी भी है। हम चाहते हैं कि जगत सिंह नेगी जी जो इतना काम कर रहे हैं, और सबसे बड़े कि वो ईमानदार हैं, काम करने की उनकी इच्छा इतनी है कि उन्होंने एक एक कंडे का, हम उनके साथ कहीं जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, गांव वालों ने भी सोचा नहीं होता और वो पहले ही बताते हैं भाई तुम्हारे वहां के लिए सड़क ले चलते हैं, तुम्हारे वहां पानी की वो स्कीम खराब है, तो अभी गांव वालों की सोच नहीं है, एक नई योजना के साथ वो आगे रहते हैं। तो ऐसा अगर हमारा नेतृत्व हो, उस नेतृत्व के नीचे काम करने में मुझे खुशी है। और ये जो आपने सवाल किया है, शायद इससे लोगों को मिलेगा कि मैं रातों रात पार्टी को छोड़कर या कांग्रेस में कोई समझौता करके नहीं आया हूँ। हमने कम से कम 15-16 साल से ज्यादा समय तक राजनीति बिल्कुल छोड़ दी थी, 14-15 साल जो भी है, उसके बाद भी हमने जो है छोटे लेवल से कार्य शुरू करना शुरू किया। पर चलो हमारे कार्य को देखते हुए मेरी पार्टी के, चाहे संगठन के अंदर हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे हमारे पार्टी के अध्यक्ष उमेश नेगी जी हो, उन लोगों ने सोचा कि चलो काबिलियत है, काबिलियत के दम पर हमारे काम को देखकर चलो हमारी प्रमोशन आगे की, तो आज मैं चलो महासचिव उन्होंने मुझे बनाया है, पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पर ये नहीं है कि हम रातों रात भाई लाल झंडा आज पकड़ कर रखा था कल छोड़ के भागे, ये बिल्कुल गलत है। हमने बिल्कुल 14-15 साल राजनीति को बिल्कुल अलविदा कर दिया था। हमारे साथ जुड़े हैं सुखदेव नेगी, महासचिव जिला किन्नौर कांग्रेस के, और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो काफी साल के बाद उन्होंने वो राजनीति से त्याग दिया था, लेकिन वो हमारे किन्नौर के जो एमएलए है उनसे प्रभावित होकर उनके काम को देखकर वो कांग्रेस में जुड़े हैं। मैं जितने भी एमसीएन पेज से जुड़े हैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए पेज नहीं बना है, ये सामाजिक चीजों को लेकर ही पेज बना है। आप कोई भी अगर इस मंच के द्वारा जुड़कर अपने अपने जो समाज के हित के बात जो है लोगों के सामने रखना चाहते हो, तो मेरे नंबर स्क्रीन में आते हैं या मेरे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जुड़िए और अपने मन की भावनाएं जो भी है समाज के हित का हो तो वो आप निसंकोच यहाँ से कह सकते हैं। तो मंच में हमारे साथ है आदरणीय सुखदेव नेगी जी। जितने भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं तो कमेंट्स और प्रतिक्रिया करें। जो भी सवाल है हम सुखदेव जी से करते रहेंगे। मेरा सवाल है सर आपसे, मेरा सवाल आपसे है सर, जितनी भी सड़कें खुलती है किन्नौर के अंदर में, चाहे खुल रही है, हमारी ही ग्राम पंचायत के द्वारा ही वो हम डिमांड करते हैं कि हमारे गांव में सड़क खुलाया जाए, लेकिन वही पंचायत बाद में पर्यावरण पर दरकिनार करती है। इतने सारे हमारे गांव में सड़क जो खुलते हैं और इतने सारे पेड़ पौधों का नुकसान ही होता है, लेकिन पंचायत बाद में पर्यावरण पर ध्यान नहीं देता, ना ही वो कहीं पेड़ पौधे लगवाता है, वो सिर्फ वन वन विभाग की ओर ही आशा लगा के रखता है, जबकि रोड हमने मांगा और ये हमारा फर्ज बनता है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले सर। बहुत अच्छा सवाल है ये राम भगत जी। पर्यावरण को बचाना भी हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारा आने वाला भविष्य हमको कोसे नहीं। पर्यावरण को साफ सुथरा रखना ये भी हमारा कर्तव्य है। ग्राम पंचायत को चाहिए कि वो पंचायत के अंदर अवेयरनेस कैंप लगाए, या जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उनसे मिलके, उनके साथ इकट्ठे होके कार्यक्रम चलाएं, जो हमारी सड़कें खुल जाती है उसके दाएं बाएं पौधे लगाए, ताकि इससे सड़कें भी सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी और सेफ्टी भी रहेगी, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन वैसे ही मिल जाएगा। कई कोई हादसा अगर होता है तो पेड़ पुर आपने देखा होना, कई बारी कई चीजें होती है, इसके लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारा लैंडस्लाइड होता है, मग फेंके जाते हैं, जिस कारण हमारे जो पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो एक साफ स्वच्छ हवा ले सके, क्योंकि हमारा जो किन्नौर है आज की डेट में बड़ी खुशी की बात है कि भाई
हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ वातावरण है, साफ सुथरी यहाँ हमारी हवा है, और इसको बचाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें पंचायत प्रधानों से ये निवेदन करना होगा कि जब आप जीतते हैं तो पर्यावरण के बारे में जरूर चिंतन करें, और पर्यावरण को बचाना जो है हमारा कर्तव्य है। तभी बोल रहा हूँ राम भगत जी, आप लोगों को ये जो आप एमसीएन पेज आप बना रहे हैं, इस पर ये जो जागरूकता वाला जो अभियान है ये चलाना होगा। ये बहुत अच्छी आपने पहल की है। आप अगर ऐसी पहल करते रहेंगे तो इससे समाज में जागरूकता आती है, इससे लोग जागेंगे। तो जगाने वाला चाहिए, लड़ने वाला चाहिए। मैं आपको जी क्या जी बोलता हूँ कि भगत सिंह तो सबके घर में, मतलब समाज चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, कि भगत जी सिंह एक ऐसा आए जो इस सरकार से लड़े या कुछ भी करे, पर कोई भी अपने घर में भगत सिंह पैदा नहीं करना चाहता है, कोई अपने आप को शहीद नहीं करना चाहता। ऐसी एक बिल्कुल शुरुआत होती है, आपने अच्छी कड़ी को जोड़ा है। आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर, किसी पार्टी विचारधारा से नहीं, एक निष्पक्ष होकर अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखें ताकि लोग आपसे जुड़ सके। आप वहां पर उनको पूछें, जरूरी नहीं होता कि गाली गलौज की हमको राजनीति करनी है। एक स्वच्छ जी राजनीति, कैसे हम अपने किन्नौर के पर्यावरण को बचाएं, कैसे हम अपने किन्नौर को सुंदर बनाएं। चौरा से लेकर सुमरा तक हमारा किन्नौर बिल्कुल सुंदर बनना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। हर गांव में जो भी अभी कमी है वो कमी हमारी सुधरनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो ना हमारे किन्नौर के अंदर हॉस्पिटल वो खाली है, कहीं डॉक्टर नहीं है, पीएचसी खाली पड़े हैं, स्कूलों के क्या हाल है। इस चीज पे आपको लगातार ये चीजें चलानी होगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे आपका पेज इतना बड़ा हो कि आप जिला अधिकारी को बुलाएं, डीसी साहब को बुलाकर उनसे पूछे कि इस गांव की ये समस्या आप क्या चाहते हैं। कभी आप जो हमारे एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर होते हैं उनसे पूछें, या हमारे सीएमओ साहब का इंटरव्यू लें, उनसे पूछें भी क्यों वहाँ इतनी पोस्टें हैं, वेकेंट है। हमारा जो एक गरीब आदमी है, दूर दराज के इलाके में हम रहते हैं, अगर उसको फर्स्ट एड भी लेना हो तो भावानगर जाना पड़ता है, या टापरी आना पड़ता है, या रिकॉन्क्यू जाना पड़ता है। तो बहुत से विषय हैं जिसको उठाने के लिए एक शुरुआत थी, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप और आपका जो एमसीएन परिवार है इन सामाजिक विषयों को उठाते रहेगा और इसे पीछे नहीं हटेगा। एक किन्नौर के अंदर एक जागरूकता लाने की आपकी जो कोशिश है, इसके लिए मेरी शुभकामना है। धन्यवाद धन्यवाद सर, सर। आपके लिए सवाल है बसंत नेगी का। सर ये शिमला में रहते हैं, होमगार्ड में है कार्यरत। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के युवा कह रहा है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, प्रेजेंट गवर्नमेंट कह रही है कि पॉलिटिक्स के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, क्या पढ़ा लिखा भ्रष्टाचार नहीं करेगा? अपनी राय बताएं, कुछ ऐसे ही सवाल है सर। कारगुजारी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जी तो भाई पढ़ा लिखा क्या भ्रष्टाचार नहीं करेगा? देखो, भ्रष्टाचार जिसने करना है उसका तो कोई धर्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार तो ये नहीं कि हमारे प्रधान ही करते हैं, बड़े बड़े मंत्री करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े कई लोग आपको पता है देश छोड़कर भाग गए, नीरव मोदी जैसे, जिनका इतना डायमंड का यहाँ कारोबार होता था, हैं बड़े बड़े किंग फ्रेशर के हमारे जो थे वो यहाँ से भाग गए हैं। तो भ्रष्टाचार कि कोई परिभाषा नहीं है कि कौन भ्रष्टाचार कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो बाकी रही बात कि भाई सरकार बोलती है कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, और जब इनका कहने का मतलब तो राजनीति में जो है एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ाई भी जरूरी होती है। धीरे धीरे ये चीजें आ रही हैं, पर जो हमारे लोग हैं उनके पास अनुभव भी है। कई बार हम कहते हैं भाई पढ़ा लिखा क्या करना, रड़ा होना चाहिए। कई आपने देखा होना हमारे पास ऐसे लोग हैं कि हम कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं, भी कैसे करें, इतने बना कैसे होगा, वो ऐसे चुटकियों में उसको हल कर देते हैं। तो इसलिए अभी जो एजुकेशन का मामला है वो ना हमारे मंत्रियों पे लागू होता है, ना हमारे विधायकों पे लागू होता है, ना हमारे सांसदों पे लागू होता है। तो हम अपनी जब मिनी पंचायत, जो हमारा एक मिनी संसद हम इसको बोलते हैं, इसमें अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है, पर चलो होना चाहिए। पर धीरे धीरे जब एक जनरेशन गैप आएगा तो ये चीजें भी धीरे धीरे होगी कि चलो प्रधान किससे बनना बनना है, तो कम से कम उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। पर जो इनका सवाल है कि पढ़ा लिखा आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, पढ़ा लिखा आदमी के पास तो नकूने भी ज्यादा होते हैं, तो कई चीजों पर ये सेटिंग पर सब कुछ चलता है, आपको पता है। तो भ्रष्टाचार की तो कोई भाषा नहीं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो एजुकेशन होना चाहिए। धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है, अब लोग भी आपको पता है सब लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो अब आने वाली जनरेशन पढ़े लिखोगी आने वाली है। आपके लिए सवाल है सर नरेंद्र जी का, सरकारी स्कूलों को छोड़कर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों पढ़ाया जाता है? क्या प्राइवेट सभी सुविधाओं से भरपूर है जबकि सरकारी स्कूल में ज्यादा सुविधाएं नहीं है?
ये कब तक होगा सर सरकारी स्कूल में सुविधाएं? मैंने 45 साल की एज में मैंने देखा बिल्डिंगें बन गई है और बहुत सारी चीजें बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े मैंने उद्घाटन भी किए, आपको पता, आप हम तो टेंट डीजे वाले हैं, हम तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर टीचर नहीं है, लैब नहीं है, संगीत का कोई, चाहे खेल का कोई टीचर नहीं, इस प्रकार का, ये कब सुविधाएं हमारे को मिलेगी सर किन्नौर में? रामो जी, ये नरेंद्र जी का भी बहुत अच्छा सवाल है। आप मैं बता दूं, कुछ तो हमारे इतने अच्छे स्कूल हैं, आप उरनी के अंदर जा सकते, इतना बड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इतनी बड़ी बिल्डिंग है हमारे बहुत सारे गांव में। आप और हम तो स्कूल का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ के रिजल्ट्स कितने अच्छे रहे हैं। सैनी स्कूल में आपका जो निचार में स्कूल है, एकलव्य, वहां पर कोई नवोदय में बहुत अच्छे उन्होंने रिजल्ट दिए हैं सरकारी स्कूल ने। कुछ तो ये हमारे समाज में भी एक फैशन सा बन गया है। आज लोग क्या सोचते हैं, भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एक हमारे समाज की सोच में भी एक फर्क है, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में अब बहुत सारी सुविधा है, कंप्यूटर वहां पर आ चुके हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकता की ओर हमारे स्कूल जा रहे हैं। पर ये कुछ हमारी भी एक सोच में ऐसा हो गया। अभी जैसे आपको पूछेंगे, राम भगत जी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपने सरकारी स्कूल बोल दिया तो आप इनसिक्योर महसूस करेंगे, ओ जी मैं, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आप तो गरीब हैं, इसका मतलब। तो इसको भी एक सोसाइटी के अंदर उससे देखा जा रहा है। बाकी ऐसा कि अगर हम लोग जागरूक होंगे, अपने बच्चों को वहां पर डालेंगे, सरकार से हम डिमांड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे, सभी प्राइवेट स्कूलों में पूरी सुविधा नहीं जाती है, कहीं 2 कमरों में 3 कमरों में खुद की तरह बच्चों को डालकर पढ़ा रहे हैं, पर माँ बाप ये खुश है कि हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है। और जो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप टिफिन लेकर, बस्ता लेकर उसको छोड़ने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं, होमवर्क करा रहे हैं, ट्यूशन लगा रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे को राम भरोसे छोड़ा भाई, पकड़े जाना है, जा आना है, आ सो जा, खेत का काम कर। तो ये हमारे समाज के अंदर भी एक हमारी जो है नेगेटिव सोच है। वरना राम भगत जी, आपने देखा ना, आप खुद ही बोले कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का उद्घाटन किया है, तो क्या नहीं हो सकता। अब तो सरकार ऐसी नीति ला रही है, बहुत सारे स्कूल तो बंद होने की कगार पर है। अब जो आप सरकार है, फिर आप बोलेंगे राजनीतिक हो रहे हैं, तो भी प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, नहीं नहीं तो बोल किसके सकते लिए हैं खोले आपसे, गए बोलते थे? हैं आपसे बात। वो जो प्राइमरी स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वो किसके लिए खोले गए थे प्राइमरी स्कूल? ताकि भाई वहां पर एक गरीब का बच्चा पढ़ सके। सब लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, क्या सॉरी, इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते कि बच्चा आए। अब बोले जी हम स्कूलों को क्लब कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस में ला रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो हमको भी थोड़ा अपना ईगो त्यागना होगा कि जो हम सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो गलतियां कुछ हमारी भी है, चलो कुछ सरकार की भी, हमारे को प्रॉपर वहां पर क्या कहते हैं, टीचर्स नहीं है, कुछ नहीं। पर जब हम अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए हम एक लड़ाई लड़ सकते हैं सरकार से। आपके लिए सवाल है सर, नेगी सूरज अक्षान जी का सवाल है सर। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक पंचायत को निर्विरोध चुने जाने के प्रति पंचायत 10 लाख देने का प्रावधान किया है, जिससे किन्नौर के हर गांव का विकास किया जा सकता है, जिसके अनुसार अनुसरण करते हुए लियो पंचायत निर्विरोध चुनी गई। मेरा सवाल है कि किन्नौर के सभी पार्टियां किन्नौर के विकास नहीं चाहती है क्या? और विकास चाहती है तो पंचायती चुनाव पार्टी के आधार पर क्यों होता है? सवाल को पढ़िए सर आप। अच्छा सवाल है सूरज जी का, पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो विधानसभा के भी चुनाव नहीं होने चाहिए, वहां भी सरकार को बोलने, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं, जहाँ कितने वो लगते हैं कि भाई यहाँ भी निर्विरोध चुन लो, हम जो है हिमाचल सरकार को इतना पैसा केंद्र सरकार दे देगी। केंद्र सरकार को बोलना चाहिए, अगर पूरा लोकसभा निर्विरोध आ गया तो इतने अरबों का हमारा फायदा। आपको पता है, जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है तो देश का कितना पैसा उसमें लगता है, तो कैसे होता है, तो वो हमको सोचना होगा। तो भाई पंचायत के अंदर जो चुनाव लड़कर आएगा वो जनता की कदर भी करेगा, उसको पता भी लगेगा। जो निर्विरोध चुन के जाएगा उसको क्या पता क्या होता है, कैसे चुनाव को लड़ा जाता है, कैसे लोगों के पास वो किया जाता है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और निर्विरोध में आप पर्ची लगाएंगे, गलत आदमी भी आ सकता है। जो इस लोकतंत्र का मकसद ही वहां पर खत्म हो जाता है, फिर ये पर्ची सिस्टम से तो आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। तब तो आपको ये पंचायत में ही क्यों देखना, आप करो विधानसभा भी ऐसी लाओ पर्ची सिस्टम पर, ये बैठ जाओ जी सारे कांग्रेस बीजेपी या तीसरी पार्टी के, भी पर्ची निकालो, पर्ची डालो, और जो जीत गया चलो ये हिमाचल का पैसा बच जाएगा या केंद्र का बच जाएगा। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमको वोट देना है और लोगों को एक ताकत दी है
5 साल के बाद ये बहुत बड़ा त्योहार, चाहे हमारी छोटी संसद गांव का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, तो चुनाव होने चाहिए। मैं ये जो है जो लालच वाली बात है 10 लाख, अब क्या पता कि आपको 10 लाख मिलेंगे, वो 10 लाख सही जगह लगाएगा जो निर्विरोध आया हुआ है। तो आप जब चुनाव लड़ के आगे जाते हैं, संघर्ष करके आगे जाते हैं, तब आपको उसकी कीमत भी पता होती है। तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, पर हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया, लोकसभा विधानसभा सब जगह 25 सिस्टम करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़े हैं जिला किन्नौर से महासचिव किन्नौर कांग्रेस के सुखदेव नेगी जी। उनका विचार था, जिस प्रकार से सवाल उठता है कि क्या निर्विरोध चुनना चाहिए, ये सवाल बहुत ही जायज था। लेकिन यहाँ बताया, यहाँ हमने आज सुना कि ये भी जायज बात है कि अगर हम पर्ची सिस्टम से हम पंचायत या फिर किसी बड़े प्रतिनिधि का चुनाव करते तो वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि किस प्रकार का वो हमारे बीच में आ सकता है, कोई पता नहीं क्या वो पंचायत चलाने के लिए सक्षम है या नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव होना चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर आपका सही नुमाइंदा मिलता है तो निर्विरोध चुनने में भी कोई ऐतराज नहीं है, सुखदेव जी का ये कहना है। तो हमारे पेज से जुड़े जितने भी दर्शक हैं और जो देर से जुड़े, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को हमारे लोगों के सामने लाना चाहता है तो हमारे से जुड़ सकता है, हमारे पेज के द्वारा आकर हमारे जनता से मौखिक होकर अपनी बातों को रख सकता है। जैसे आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुखदेव नेगी जी। सवालों का जवाब सिलसिला जारी रहेगा। सर, किन्नौर के लिए कोई नई सोच आपकी ओर से बताना चाहेंगे, कोई नई सोच सर जो सिर्फ आपका अपनी हो और जो अलग से हो, जो कोई जो ना पार्टी से संबंधित रहता हो ना किसी विचारधारा से, सिर्फ आपकी अपनी सोच हो सर जो किन्नौर की प्रगति की ओर ले जाए। नहीं, मेरी तो कोशिश ये रहती है कि भाई हम आज की डेट में रोजगार बहुत बड़ा इशू है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, कुछ ऐसे हम कार्य करें। नहीं तो आप देख रहे होने, आज हमारे जो नौजवान हैं बेरोजगार होने के कारण आज नशों की तरफ वो बढ़ रहे हैं। पहले हम सुनते थे भी उड़ता पंजाब, आपने फिल्म देखी होनी, अब ये हिमाचल की तरफ आने वाली है, और ऐसे ऐसे नशे आ रहे हैं। पहले तो शराब या सुल्फा भांग ऐसे होते, आज की डेट में ऐसे महंगे नशे आ रहे हैं, हमारा नौजवान उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हम ऐसा कार्य करें कि हम अपने, चाहे किन्नौर के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दें, छोटे-छोटे, क्योंकि हमारा जो जिला किन्नौर है वो बहुत खूबसूरत है। और हमारे, चाहे आप देखो यूलाकंडा जाओ, चाहे हमारे रामनीकंडे जाओ, जो अभी हाँ इसमें क्या कहते हैं लाइव, मतलब आगे उनका प्रचार प्रसार सही नहीं हुआ है, तो बहुत से स्कोप है टूरिज्म के ऊपर, या कुछ और जैसे हम अपनी बागवानी की तरफ ध्यान दें, या जो एक नौतोड़ भी बहुत बड़ा इशू है। इसलिए मैं जगत सिंह नेगी जी को मानता हूँ कि नौतोड़ से भी क्या होगा कि जब आपके पास जगह जमीन होगी, नौकरी सरकारी मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी चाह रही कि कैसे हम जो इन नौजवानों को, जिनको रोजगार मिला है, इनको भी हम कैसे निकाले, वो भी दिन रात बहाना मार रहे हैं। अब हम कहीं भी जाते हैं, सब माँ बाप को ये चिंता रहती है कि हम अपने बच्चों को कैसे सेटल करें, कहाँ करें। तो जब हमारे पास जमीन होगी, हमारे जो जिला किन्नौर के अंदर एक नगद फसलें होती है, सेब होता है, अपर किन्नौर में तो चलो बादाम नेवजा वगैरह भी होता है, तो ये हमारी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी हम, जो मेरा पहला ये प्रयास रहेगा, अगर मेरी एक नई जो सोच वाली बात कर रहे हैं, कि कैसे हम अपने नौजवानों को कहीं एडजस्ट करें, कैसे उनके रोजगार के बारे में सोचें, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी गंभीर वो हो रही है। और हमारे किन्नौर के अंदर भी अब घरों में बंटवारा हो गई, कई लोगों के पास बिल्कुल जगह नहीं है, मतलब जमीन जगह बिल्कुल कम हो गई है। तो भाई रोजगार के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ हम अपने नौजवान भाई बहनों के लिए कुछ करें, इसके प्रति मेरी एक सोच रहती है। सर, रोजगार के लिए मैं छोटी सी अपनी ओर से आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर आप कभी किसी बड़े नेता से जुड़े तो ये मेरा सवाल जरूर करें। सर, पढ़ लिख कर लोग आजकल गांव में बेरोजगार है सर। अभी टीमेट के मैंने देखे बहुत सारे पद निकल चुके हैं सर, और लोग आईटीआई करके बैठे हुए हैं। लोगों ने प्राइवेट काम भी किया है, किसी किसी अंडर में प्राइवेट काम भी करते हैं।
अभी टीमेट में एक्सपीरियंस निकाला है कि किसी लिमिटेड कंपनी का एक्सपीरियंस लाओ। सर अब लिमिटेड कंपनी में नौकरियां ही नहीं रहे तो वो एक्सपीरियंस किस काम कहाँ से लाएगा और वो कैसे भर्ती होगा सर? सरकार की प्रक्रिया को उसके पास एक्सपीरियंस तो आईटीआई है ना सर, आईटीआई क्या कम एक्सपीरियंस है क्या? पहला सवाल सर। इस प्रकार के जो है ये तथ्यों को बंद किया जाए, ये तो ये सिर्फ एक अपने लोगों को भर्ती करने का एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, पहले से ही ऑलरेडी फिक्स है। अब नए लोग कैसे जाएंगे? अब मैंने आईटीआई किया है और मेरे पास लिमिटेड कंपनी में आजकल नौकरी ही नहीं है, फिर मैं लिमिटेड कंपनी का एक्सपीरियंस कहाँ से दूंगा सर? अच्छा दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल ये आता है, अब पढ़ लिख कर ज्यादातर लोग जितने भी हमारे इंजीनियर लोग करके आए वो बेरोजगार है, वो आजकल किसी कॉन्ट्रैक्टर के एक मुंशी बन के रह गए सर। अब जब कभी वो ठेकेदारी में अपना अपना काम लेना चाहता है सर, वहां पर भी एक तो आपका जीएसटी चाहिए, चलो वो मैं मानता हूँ जीएसटी दे देंगे, पैन कार्ड चाहिए वो भी मान रहा हूँ, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार के बाद पर चाहिए, लेकिन सर वर्क डन मांगता है। अब मैं जो है आईटीआई डिप्लोमा करके आया हूँ, एकदम से वर्क डन कहाँ लाऊंगा सर? 1-2 लाख का तो काम दीजिए। इस प्रकार से 2-3 सवालों को हटाएंगे सर तो ऑटोमेटिकली रोजगार खत्म हो जाएगा, मतलब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी सर। यहाँ इस प्रकार के जो सरकार ने जो कागज तैयार किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है ठेका जो बड़े लोगों को मिल रहा है, जो ई टेंडरिंग बना रहे हैं, ई टेंडरिंग का मतलब यही है, तभी तो इसमें छोटे रोजगार खत्म हो रहे हैं सर। अगर आप 1-1, 2-2 लाख का काम जो बगैर टेंडर बगैर जो जैसे सिर्फ आप काबिलियत के अनुसार दे, इसने बीटेक किया है नौकरी नहीं मिल रहा है, इसने आईटीआई किया है नौकरी नहीं मिल रहा है, ठेकेदारी करना चाहता है, वो आईटीआई और बीटेक के बेस पर मिले सर, वर्क डन के बेस पर ना मिले सर, तो ये चीजें सर सरकार के नॉलेज में लगाए, इस चीज को कानून को खत्म करे, इस पर थोड़ी सी इस पर प्रकाश थोड़ी डाले सी सर। प्रकाश डालें सर। बिल्कुल रामनगर जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। तो मेरा मानना है कि जो बड़ी मछलियां होती है वो छोटी मछलियों को खाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि भाई जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आप कोई आईटीआई करके आया है, कोई डिग्री डिप्लोमा करके आता है, वो एक मान्यता प्राप्त संस्था है, वो किसी के वहां से तो आया नहीं है, इस चीज की मान्यता होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपसे 101% सहमत हूँ। या तो वो संस्था ही खत्म कर दो, ऐसे बोलो भी जी कंपनी में नौकरी कर ले, वो जो बेचारा वहाँ 3-4 साल ट्रेनिंग कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, माँ बाप के पैसे खर्च कर रहा है, उसे तो उसको किसी बद्दी में भेज दो, कहीं कंपनी में काम कर ले, वहां से सर्टिफिकेट लेके आ जा, अगर सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है तो। इस बात से मैं आपको आपसे सहमत हूँ। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो फ्रॉड में भी कहीं से सेटिंग करके कंपनियों के थ्रू कुछ ऐसा करके ला देते हैं, जो मार बेचारे जो हमारा एक गरीब नौजवान है, गरीब परिवार है, उस परिवार को पड़ती है, उनके बच्चे कभी सेटल नहीं हो पाते हैं, ये कंडीशन ऐसी डाल देते हैं। बाकी रही आपकी जो ठेकेदारी वाली बात कर रहे हैं आप, इसमें जरूरी नहीं है कि बीटेक वाला जो आप ठेकेदारी कर रहे हैं, चलो उसका तो ए क्लास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, जो हमारे डी क्लास के अंदर भी बेचारे बच्चे, गांव का गरीब बच्चा सोचता है मुझे जॉब तो नहीं मिल रही है, सर डी ए क्लास क्लास का बनेगा ना लाइसेंस, बनेगा ना, फिर लाइसेंस भी वर्क डन फिर पे तो वर्क मांगेंगे डन तो उससे भी, मांगेंगे उससे वो भी रह भी, जाता वो भी रह पीछे जाता सर। पीछे सर। हाँ वो तो चलो उसमें मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब जो डी क्लास का बेचारा होता है ना, जिसकी 10 लाख की लिमिट है या 20 लाख कर दिया होगा, उसके अंदर भी उनको भी बोलते भाई लाओ। अब कोई बेचारा पहली कक्षा में पढ़ रहा है, उसको आप 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट ला, वो कहाँ से लाएगा? तो ये बिल्कुल जो नीतियां बनाई जाती है, ये कुछ जो बड़े ठेकेदार हैं, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की ये नीतियां हैं, इसका हम विरोध करना चाहते हैं। ये बात सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो गलत है तो गलत है, ये जो कंडीशंस है ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी नया आदमी आता है उसको आप मौका दो भाई 10 लाख तक 20 लाख तक जो है, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, कोई वर्क डन नहीं मांगा जाएगा, तभी तो बेचारा जी काम करेगा, जी तभी तो उसके पास वर्क डन आएंगे। हाँ जब वो उससे ऊपर जाता है कि भाई 50 लाख का काम लेना है, तो आपके पास उसके 4-5 काम किए होने चाहिए, उस पर हम जस्टिफाई मानते हैं कि भाई ये बिल्डिंग बननी है, सही बननी चाहिए, ढंगे का आपको होना चाहिए, पर आप किसी को मौका ही नहीं देंगे तो वो बेचारा तो कभी आगे आएगा ही नहीं। वो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हमने यहाँ एसजेवी ने भी देखा है, नाथपा झाखड़ी हमारे यहाँ पर है, कई ठेकेदार बेचारे बनते हैं, बाद में जब वो कंडीशन लगाते थे उसमें आपको इसका वर्क डन चाहिए फलाना चाहिए, वो बेचारे बोलते थे हमने डी क्लास के हम ठेकेदार हैं, हम कहाँ से वर्क डन लाएंगे, तो हम बनेगा एक ठेकेदार। तो अब ये धीरे धीरे पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आ रहा है, तो ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, ये चाहे कोई भी सरकार हो, इस हम इनको हमको इस नीति के खिलाफ लड़ना होगा। और आपने बिल्कुल सही कही है, जब हमको मंच मिलेगा, जब कभी हमारी सरकार आएगी, तब भी हम निवेदन करेंगे
कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, बेचारा बेरोजगार अगर वहां पर ठेकेदारी करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसमें नियम और शर्तें ऐसी बनाई जाए कि आम आदमी भी उसका फायदा ले सके, आम हमारा नौजवान भी। तो आपके मैं इस सवाल से पूरी तरह सहमत हूं, इसके लिए हम जरूर आवाज उठाएंगे, जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद सर। ये सवाल कांग्रेस बीजेपी के लिए दोनों के लिए, क्योंकि मैं खुद मैंने ग्राउंड में झेला हुआ है सारे लोगों से परेशानी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे सर हजारों, मेरे मैं अपने बताता हूँ, मेरे खानदान में कम से कम 15 ऐसे लोग जो बीटेक करके बैठे होंगे, जो ठेकेदारी लाइसेंस बना कर भी उनको काम नहीं मिलता है। कारण क्या है, वहां पर यही कंडीशन लगा, और ये कंडीशन बना ही इसलिए सर ताकि बड़े लोग और बड़े अधिकारी जो मिल बांट कर खाते रहे, इसीलिए बना हुआ है सर। इस कंडीशन को खत्म करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि 10 लाख से या 20 लाख तक किसी प्रकार का कोई वर्क डन ना हो और वो काम करे, हाँ सिक्योरिटी ले सकते हैं कि ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, उस पर एक सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो अगला हम एक कॉमेंट था यहाँ पर, पावर प्रोजेक्ट से हमें रॉयल्टी नहीं मिल रहा है सर, क्यों? और ये कोई भी सरकार आती है इस पर कोई एक निर्णय नहीं ले पाती है, ना कंपनियों से किसी प्रकार के वो मतलब जांच पड़ताल कर रही है अभी तक, मतलब जब से कंपनियां बनी है अभी तक रॉयल्टी गांव को नहीं मिली सर। ये कब तक मिलेगी? क्या हमें आपकी सरकार का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर ये हमारी वर्तमान की सरकार हमें इस पर कार्रवाई करेगी? ये भी एक अच्छा इशू है। हम तो ये बोलते हैं कि भाई जो हमारा जिला किन्नौर है या जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे हमारा रामपुर का एरिया है, जो भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ हमारे पहाड़ों को खोद खोद के खोखला कर दिया है। हम लोग जो एक बिल्कुल ऐसी जगह पर आ गए, अगर भूकंप का बड़ा झटका आ गया तो हमारा पूरा किन्नौर रामपुर का एरिया जो है खत्म हो जाएगा। सारा जो हमारे टनल बनाकर हमको एक खोखला करके रख दिया हुआ है। तो हमारा ये अधिकार है और अधिकार के लिए हमको लड़ना होगा। बिना लड़े चाहे किसी भी की भी सरकार हो, वो हमको नहीं देगी। ये पहले से चला भाई, जो भी प्रॉफिट का है 1% 2% जो है वो गांव को दिया जाएगा। पर आपको पता है जो ये कंपनियां होती है, ये बड़े बड़े लोगों की कंपनियां होती है, बड़े बड़े लोग, उनको पता होता है भी झोले लेकर आगे चले जाओ तो खरीद फरोख्त होती है, सरकार को वो फैसला लेने से रोक लेते हैं कि ताकि उनका प्रॉफिट ना बढ़े तो पार्टी फंड देते हैं, कई चीजें होती हैं। पर इसके लिए हम सबको बिना संघर्ष किए कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे किसान आप देख रहे दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे हैं, ऐसी हमको भी संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष किए कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, ये इतिहास गवाह है। जब भी हमने संघर्ष किया है तभी हम जीते हैं, तभी आम आदमी का भला हुआ है, तो ये मिलना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, हमारे किन्नौर के अंदर हमारे जो पहाड़ी एरिया है, चाहे रामपुर का हो, क्या हमको फ्री बिजली नहीं मिल सकती है? हमने तो काफी बार कहा भी 100 यूनिट तक फ्री बिजली दो, हमारे ही घर में पैदा हो रहा है। और हम मानते हैं कि राष्ट्र नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्र की भलाई के लिए बिजली के प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए। हम देश की भलाई के लिए हम देश के साथ हैं, पर देश की भलाई के साथ साथ क्या हमारा भी छोटा मोटा भला नहीं हो सकता है? तो ये सब हमारी कमियां हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, इस कोरोना काल में भी हमारे बिजली के बिल माफ नहीं हुए, किसी प्रकार की हमको राहत नहीं मिली है। पर चलो, मैं नहीं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इस डिबेट को करना, पर ये हम लोगों को इकट्ठे होके संघर्ष करना होगा। इसमें कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई वामपंथी नहीं, हमको अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, क्योंकि किन्नौर का कोई भी नाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर ये पावर प्रोजेक्ट नहीं बने हो। तो हम सबको इसके लिए लड़ना पड़ेगा कि जो भी इनका बेनिफिट होता है कंपनी का, उसमें हमको जो है चाहे जितना भी परसेंटेज है उसका शेयर गांव को मिलना चाहिए। पर राम भगत जी, बात वही है, जब आप जैसे लोग हम जैसे लोग जागरूक होंगे, समाज को जागरूक करेंगे जनता की, आम जनता की लड़ाई के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर राजनीति होती है सब अपने लिए सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। आप अगर समाज को बदलने की बात करेंगे, लोग कोई लड़ने नहीं आएंगे, लोग ये बोलेंगे भी मुझे क्या मिला, लोग चाहते हैं मेरी ठेकेदारी चलते रहे, मुझे ठेका मिल जाए, ये मिल जाए। तो इस समाज की लड़ाई है, अगर अपने किन्नौर के लोगों को, अपने जो हमारे जो पहाड़ी जोन वाले जाए प्रोजेक्ट है, उनको एक इकट्ठा करना होगा और एक बड़ा आंदोलन लड़ना होगा, तब ये मिलेगा। वरना चाहे सरकार जिसकी भी हो, बड़ा मुश्किल है। मैं जो बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रभाव हमेशा रहता है सरकारों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर। धन्यवाद सर। हम अंतिम पड़ाव की ओर गए हैं क्योंकि ये 1 घंटे का एपिसोड है, और अंतिम सवाल यहाँ पर अंतिम सवाल है नेगी राज ठाकुर जी का, कि किन्नौर में कम से कम 15-20 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसमें 50% से ज्यादा बाहर के आउट ऑफ किन्नौर से है, जो कि आउट
आउटसोर्स पर लगे हैं, ये जो आप लोग बात कर रहे हैं या भाषणबाजी अच्छी नहीं लगती, इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें सर। ये मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ, ये सभी की सरकारों में सरकार जब भी रहते हैं, ये तब से हमारे किन्नौर में जितने भी जो रोजगार में इसमें सबसे ज्यादा बाहर के ही है और किन्नौर के बहुत कम लोग हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर ठाकुर जी, इसमें किन्नौर के लोगों को भी गलतियां हैं। कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग में जब वो आसानी से नौकरी चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि झेलना, क्योंकि कंपनी की नौकरी में 8-8 9-9 घंटे झेलना पड़ता है सर। हमारे लोग यहाँ पर हर महीने की छुट्टी चाहते हैं, ओवर टाइम करना नहीं चाहते, इस वजह से भी हम लोग वंचित रहते हैं। बाकी बाकी जिनको कुछ कुछ जिनको अच्छी नौ ये उनके लिए जो लेबर स्टैंडर्ड के लोग हैं जिनको अच्छी नौकरियां मिली वो तो रहे अभी तक भी, थोड़ी सी प्रकाश दे ढाले सर इसमें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है इनका। और ये जो कह रहे हैं भी भाषणबाजी भी अच्छी लगती है, भी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि सरकारें जब वो MOU करती हैं, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है उसमें लिखते भी 70% हिमाचली लगने चाहिए। पर कंपनियां भी तेज होती है, वो बोलते हैं भी आपको स्किल्ड होना चाहिए, अनस्किल्ड होना चाहिए, जैसे उनको टेक्नीशियनों की जरूरत है। वो चीजें अभी हमारे किन्नौर में नहीं है, उसके लिए हम आपके जैसे पॉलिटेक्निकल उर्नी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो पॉलिटिकल उर्नी का भी अभी ठंडे बस्ते में, कभी बोलते कल पा जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, इसलिए कि हमारे को जो क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं। तो कब जब हम कंपनियों के साथ बैठते हैं, वो बोलते हैं जी ठीक है जी, मुझे इतने मतलब कोई ऐसी गाड़ियां चलानी है। अब हमारे लोग तो जीपी चलाने वाले होंगे, वो बोलेंगे हमको ये वाली गाड़ी चलानी है, ये मशीनरी चलानी है, कोई हमारे को डीलर चाहिए, कोई बेल्डर चाहिए। तो हम लोग रामगढ़ जी अपने बच्चों को भी इस तरह की जो प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं कि हम कहीं फिटर की तरफ भेज दे, कुछ भेज दे, तो वहां पर हम जो पार्टी वाले भी फंस जाते हैं। बोलेंगे जी मुझे 50 फीटर चाहिए, आप बोलेंगे नहीं जी सारे तो BA है हमारे पास, अब वो सारे बेलदार तो लग नहीं सकते। अब कई लोगों को जो आपने कहा सही कहा, कई लोगों को राजनीतिक इच्छा से कंपनी में सेटल किया गया, तो वो बोलते जी बड़ा टफ जॉब है, वहां से भाग जाते हैं, सख्त काम करने की आदत नहीं है। तो हमको थोड़ा टेक्निकली भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनियां एग्रीमेंट होते हैं पर वो स्किल्ड अनस्किल्ड इसमें करके वो जो है बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे लोगों को अगर नौकरी देते, वो जान से टफ जैसी जगह पर नौकरी देते हैं, फिर वो बोलते जी हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नहीं आ रही है। क्योंकि अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं। जब आप अपने घर में काम कराते हैं तो आप लोकल मिस्त्री से नहीं करा के बिहारी से क्यों कराते हैं, नेपाली से क्यों कराते हैं? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लोकल मिस्त्री से काम कराएंगे तो ये काम जो है 20 साल में होगा, अगर आप बाहर के उससे कराएंगे तो वो पैसे कमाने आया है, वो आपको 2 साल में भी काम करके देगा। तो ये चीजें जो आपने कहा मैं आपसे भी सहमत हूँ कि हमारे लोग करना भी नहीं चाहते हैं, जो लगते हैं वही होते हो कि भाग जाओ। और जो बाहर से आता है ओवर टाइम करता है, उसको पता है मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। और हमारे लोग बोलेंगे यार किसने करना है ऐसा काम, उससे तो मैं अपने खेत में जाऊंगा, अपने वहां जाऊंगा। क्योंकि कुदरत का दिया हुआ हमारे किन्नौर में बहुत कुछ है, अगर किसी के पास सेब नहीं होते तो कुछ जंगल में ऐसी चीजें होती है, उसी को बेच के उसका गुजारा बसर चल रहा है। तो पर हाँ हमको भी अवेयर होना होगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी अवेयर होना होगा, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं BTECH करके आ रहे हैं या डिप्लोमा करके आ रहे हैं या ITI से आ रहे हैं, तो उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए हमको उनसे लड़ाई लड़नी होगी कि हाँ अब हमारे जो लोग हैं वैसा रहा नहीं। पर अब कंपनियां भी नहीं रही, आपको पता है, अब JP इतनी बड़ी कंपनी थी तब हमारे पास इतने बच्चे नहीं थे, नाथपा झाकड़ी इतनी बड़ी कंपनी थी तब हमारे पास ट्रेंड बच्चे नहीं थे, अब छोटे छोटे नालों में कंपनियां लग रही है, वहां भी आपको तब गांव वाले ही आ जाते हैं कि हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। तो ये चीजें हैं रामभगत जी, गलतियां चलो कुछ हमारी भी है, नेताओं की भी, कुछ जनता की भी है, पर मिल बैठ के करना पड़ेगा हम सबको इसको सही। जाते 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 आपसे जाते आपसे अंतिम अंतिम सवाल समझ सवाल लो, समझ लो। हम मंदिर निर्माण की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, स्कूल हॉस्टल पानी की तरफ स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, ऐसा क्यों है सर? गांव गांव में काफी लोगों का काफी मतलब करोड़ों के हिसाब से वैसे मंदिर बने हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण इन चीजों पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते सर। देखो आजकल आज अभी कोरोना काल में आपने देखा सर, कोई भी मंदिर भारत में किसी भी मंदिर ने काम मतलब जो आस्था है, आस्था बात अलग है, सब मंदिर बंद रह गए सर, सब द्वार बंद रह गए, लेकिन
सारी चीजें बंद रहेगी सर। इसमें सबसे ज्यादा हमारा ये रहा कि हॉस्पिटल सर, हॉस्पिटल में अगर हमारे, देखिए सर, अगर हमारे किन्नौर में ही मान लेते हर पंचायत में, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक नोट लिखा था सब्जेक्ट कि हर पंचायत में सर 1000 बेड वाला हर सुविधाओं से लैस अगर हॉस्पिटल हो तो हमें रामपुर जाने की जरूरत नहीं, हमें शिमला जाने की जरूरत नहीं, हमें पीजे जाने की जरूरत नहीं सर, हमारी छोटी मोटी बीमारी तो यहाँ हो सकती है, तो क्यों हम इतना सारा पैसा बर्बाद हम अपने आस्था पर खत्म कर रहे हैं, जबकि हम आज के टाइम में कोरोना से जूझ रहे हैं सर। अभी भी हमारे किन्नौर में काफी लोग कोरोना के ग्रस्त हो गए, 19 से ऊपर तो लगभग मारे गए हैं सर, लेकिन हम फिर भी जो है अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे। क्या वर्तमान में हम कोरोना से सीख गए? क्या अब लोग क्या स्वास्थ्य की ओर ज्यादा ध्यान देंगे? क्या सरकार अब ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलों पर ध्यान देगी, आपकी सरकार हो या कोई और सरकार, क्या अब ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य पर और मेडिकल स्टाफ पर, मेडिकल की जो भी टेक्नोलॉजी उस पर ज्यादा ध्यान देगी सर? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आरपी नेगी जी का। तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं, जो ये कोरोना महामारी आई है इसने बहुत सारे लोगों की अकल भी ठिकाने लगा दी है, बहुत सारे लोगों पर सोचने को भी मजबूर कर दिया है। वरना क्या होता था, सरकार की भी गलती नहीं होती है, जब भी कोई भी डेलीगेशन आता है किसी मंत्री से मिलने, चाहे विधायक से मिलने, चाहे मुख्यमंत्री से मिलने, चाहे कोई सांसद आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो लोग क्या फाइल लेके जाते थे, हमारा इस वाले देवते का मंदिर बनाना है जी, है तो उसके बाद दोबारा कोई दूसरा मंदिर बनाया। तो गांव में जो है स्वास्थ्य की तरफ कम ध्यान दिया गया, हमारे लोगों की अवेयरनेस में भी कमी थी, तो हमारे लोगों ने मंदिर की तरफ ज्यादा दिया। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग, आस्था का विश्वास रखते हैं, उनका एक खूबसूरत भव्य मंदिर होना चाहिए, पर हॉस्पिटल एक ऐसी जरूरत है, बीमारी ऐसी अमीर को भी लगनी है गरीब को भी लगनी है। चलो आपने कहा जी गाँव गाँव में 1000 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, चलो ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना तो आईजीएमसी में भी नहीं होना। मेरे कहने का तहसील मतलब में सर, अगर हर तहसील में, तहसील में, तहसील तहसील में। में तहसील की बात करें आप, हाँ हाँ जी, ये हाँ बहुत जी, अच्छी बात है, हमको इस पर सोचना होगा। ये जो कोरोना बीमारी आई है इसने सोचने पे मजबूर कर दिया है, अगर अभी भी हमारे लोग नहीं जागे, अब हमको ये लड़ना चाहिए कि भाई अच्छे जो है बिल्कुल हाईटेक हॉस्पिटल होना चाहिए, हमको अपने असली जो अगर हमारे समाज के अंदर होना चाहिए, हमारी जो बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए या लोगों की डिमांड होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य ये ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा विकास होगा। अच्छी शिक्षा होगी तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, एक अच्छी सोच आएगी, हम देश दुनिया की जानकारी ले सकेंगे, बड़े अच्छे लोगों के साथ बैठ सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं। तो शिक्षा में भी सुधार होना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य में भी। इस मामले में हम बहुत पीछे हैं, हिंदुस्तान का नाम भी बहुत पीछे है। कोरोना में आपने देखा होगा ये महामारी अगर इस तरह फैले तो लोगों को कहीं बेड ही नहीं मिलने, और आपने देखा हो ना महेंद्र सिंह जी एडमिट हुए थे, वो खुद ही गालियां मारते कि सरकारी जो हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखकर वो खुद ही परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा जी मैं ही मर जाऊंगा यहाँ पर रहूंगा। तो जब मंत्री जी का ये हाल होगा, आप और हम जैसे भर्ती हो गए हॉस्पिटल में, तो हमारा क्या हाल होगा आम आदमी का? तो इस पे हमको ध्यान देना होगा। अब इस कोरोना महामारी से भी अगर हमारे लोगों ने सबक नहीं लिया, अब हमको ये चाहिए, जैसे आपने तहसील की बात की या ब्लॉक की बात है, कि हमारे जैसे निचार ब्लॉक के अंदर है या मान लो निचार ब्लॉक के अंदर भावानगर है, टापरी है, वो अलग अलग पंचायतों को एरिया को कवर करता है, तो वहाँ हम एक खूबसूरत हॉस्पिटल बनाए जहाँ डॉक्टर्स भी हो, बिल्कुल टेक्निकल स्टाफ भी हो, जो टेस्टिंग की सारी सुविधाएं हो। मैंने तो आपको कोरोना काल में भी राम भगत जी कहा था कि जो हमें दान पुण्य कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं ने कितना दान पुण्य किया है, वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता है। अगर हम उससे, मैं उस टाइम भी इसके विरोध में था कि हम अपने जी रिकॉम्पियो जो हमारा बड़ा जिला अस्पताल है उसके अंदर कोई अच्छी मशीनें लाते हैं, कि ठीक है जी आप जी डीसी साहब ये मशीन लाओ, इसके पैसे हम देंगे, हमारी देवी देवता उन्होंने खुल के दान दिया, तो सही जगह पर वो पैसा लगता। पर मुझे लगता नहीं, मैं विवाद के खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, पर आप लोगों ने देखा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमको स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, ये एक बहुत जरूरत है, अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। मैंने आपका जो आप बोल रहे हैं कि भाई तहसील में 1000 बेड वाला हो, तो मैंने देखा था और अप्रिशिएट किया था कि अच्छी है आपकी मांग है, ऐसा होना चाहिए। पर जनता की जागरूकता, मैं अगर आप आखिरी पड़ाव की ओर जा रहा हूँ, जब तक जनता की जागरूकता नहीं होगी, जागरूकता के बिना कुछ नहीं होगा। मैं कह भी रहा हूँ कि ये मिनी संसद, ये आप जो चुन रहे हैं प्रतिनिधि, इन पे भी निर्भर करता है, ये आपकी गाँव के लिए क्या सोच लाते हैं, आपकी तहसील के लिए क्या सोच लाते हैं, आप बीडीसी का जिला परिषद का चुनाव यहाँ पर हो रहा है, तो अच्छी सोच के अच्छे विचार के लोगों को आगे लाए, भाई भतीजावाद,
रिश्तेदारी ना ही देखें, ये देखें कि कौन गांव की अच्छे सेवा से सेवा कर सकता है। कई लोगों को सिर्फ फट्टा लगाने का शौक हुआ है, मैंने प्रधान जी बनना है, तो ये फट्टे लगाने वालों से बच के रहें। धन्यवाद सर, आप हमारे मंच से जुड़े और आप आज आपने कीमती समय निकाला, जबकि आपका एक बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। जाते जाते सर एमसीएन पेज के द्वारा, एमसीएन से जितने भी दर्शकों से जो आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हो, तो आप एमसीएन और दर्शकों को दोनों को आप कुछ अपनी ओर से मैसेज दें सर। मैं आपको ये कहना, हाँ हाँ जी रामा जी, अच्छा आपका वो था, तो मैं अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अब नया साल आ रहा है, आपको नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 2020 से हमको बहुत बड़ा झटका लगा है, जो 2020 में हम सभी 2020 हो गए थे। तो मिलकर हमको अपना एक खूबसूरत किन्नौर बनाना है। हमको एक खूबसूरत किन्नौर बनाने के लिए राजनीतिक उससे ऊपर उठकर, हम पार्टी बाजी में फंसे रहेंगे तो कभी हमारे जिला किन्नौर का भला नहीं होना है। उससे ऊपर उठकर हमको अपने किन्नौर की उन्नति और विकास के लिए, अपने नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। और जो आपने कहा हमारा स्वास्थ्य शिक्षा, इसके ऊपर के लिए भी हमको सोचना होगा। और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा ये पेज बनाया है एमसीएन का, एक जागरूकता का अभियान आप चला रहे हैं। मैं आपको भी चाहूंगा कि इस लड़ाई को आप जारी रखें, हमारे सहयोग की जरूरत होगी तो हम आपको सहयोग करते रहेंगे। आपको जब भी आपको लगता है कि हमसे बातचीत करनी चाहिए, हम बातचीत करते रहेंगे। पर इसको ऐसा लड़ाई झगड़े वाला मंच ना बनाए, एक आप प्यार मोहब्बत वाला। अब लड़ाई झगड़ा करके, बहस बसाई होकर, गंदे प्रकार के एलिगेशन लगाकर कुछ नहीं होने वाला। हमको ऐसी चर्चा करनी चाहिए जिससे हमारे किन्नौर को कुछ मिले, हमारे लोगों का फायदा हो, हमारे किन्नौर का फायदा हो। हम हमेशा यही अपील करते हैं, भाई लड़ो उसके लिए जिससे भला हो। तू ऐसा, वो ऐसा, वो वैसा, ऐसे एक दूसरे को गालियां मार के क्या मिलेगा। तो गाली गलौज वाली राजनीति से हमको दूर होकर अपने किन्नौर के लिए सोचना होगा। तो 2021 में मिनी संसद है, इसका चुनाव होने जा रहा है, तो वोट जरूर करें, सोच समझ कर आप मतदान करें, अच्छे आदमी को चुने जिस पर आपको भरोसा है। भाई भतीजावाद को त्याग दें, रिश्तेदारी को त्याग कर दें, अपनी जाति प्रथा को त्याग दें, ये देखें कि कौन मेरे गांव के लिए बेस्ट है। और जिसका एक विजन हो, एक सोच हो आपके गांव को, मैं कैसे खूबसूरत गांव बनाऊंगा, एक मॉडर्न गांव बनाऊंगा। अभी भी हमारे जो जिला किन्नौर में है, बहुत विकास होना शेष है। जो थोड़ा बहुत विकास दिखता है, लोगों ने अब बिल्डिंगें बनाई, कुछ बनाई, वो अपने हिसाब से बनाई है, पर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उसमें हम अभी भी पीछे हैं। बहुत से कार्य हमारी पंचायतों के अंदर होने शेष हैं। तो आपसे मैं यही अपील करूंगा कि वोट दें और जरूर अपने मतदान का इस्तेमाल करें, पर एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, भाई भतीजावाद रिश्तेदारी को छोड़कर। बाकी एमसीएन परिवार का को भी मैं अंत में बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आपका पेज धीरे धीरे इतना बड़ा बने कि हमारे जो जिला किन्नौर के अंदर एक अच्छी पहल आपने की है। ऐसे और न्यूज चैनल तो हैं, वो कर रहे हैं, पर आप बुलाकर ऐसे चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी गरिमा को बनाए रखें। रामगढ़ जी, मैं आपसे यही चाहूंगा कि जो आपका पेज है ये बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। चलो पार्टी की विचारधारा मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, हर आदमी के अपने पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं, पर आप अपने इसको अगर आप ऐसा बनाए रखेंगे तो आपका पेज आने वाले समय में जिला किन्नौर की समस्या को उठाते रहेगा। हमारी मतलब हमारा साथ आपके साथ है। तो हर वर्ग के लोगों को बुलाएं और उनसे एक अच्छी चर्चा करें, उनसे आप निवेदन करें कि हम सिर्फ अपने किन्नौर को कैसे आगे ले जाएं, ये हमारी सोच होनी चाहिए। एक अच्छा साफ सुथरा किन्नौर चौरा से लेकर सुमरा तक हमारा बनाना है। तो एक बार फिर अंत में आपको और आपके दर्शकों को, अब उनसे पता नहीं कब मुलाकात होगी, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और नव वर्ष के अंदर इस महामारी से हमको मुक्ति मिले। एक अच्छी, जैसे 2019 तक हमने जिंदगी जी है साफ सुथरी हवा में, जैसे हम सामाजिक रूप से मिलते थे, पहले बोलते थे भी बंदा सोशल नहीं है, बोलते सोशल डिस्टेंस रखो, ये चीजें खत्म हो जाए और दोबारा हम सोशल होके एक दूसरे से मिल सके, यही मैं कहूंगा रामगढ़ जी। बाकी अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो, कोई नाराज हुआ, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। हमारी कोशिश नहीं रहती कभी हम किसी के प्रति जो है बुरा बोले या बुरी सोच रखें। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला एमसीएन पेज के लिए, किन्नौर के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी नेक्स्ट टाइम, ये तो चलता रहेगा क्योंकि पेज ये बंद होना नहीं है, ये समय समय पर अपनी चीजों को लेकर आएगा। जब कभी जरूरत होगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा बुलाऊंगा तब तक धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर सर।
हमारे साथ मंच में जुड़े थे जिला किन्नौर के कांग्रेस के महासचिव आदरणीय सुखदेव नेगी जी। उनका कहना था कि किन्नौर को सुंदर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, इसके लिए कोई राजनीतिक दल की कोई आवश्यकता नहीं, मिलकर दोनों पार्टियां काम करें और मिलकर जो है हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि है, जितने भी अभी नव निर्वाचित जितने भी चुने हुए आएंगे, वो किन्नौर के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए, हर चीज के लिए, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। इन्हीं चीजों को लेकर मैं आज सुखदेव जी के साथ था। अब कल शनिवार और रविवार सिर्फ किन्नौरी संध्या रहेगा, इसमें हम गीत संगीत से जुड़े लोगों को लेकर आते हैं और कुछ एनजीओ से जुड़े जुड़े भी लेकर आते हैं। कल हमारे साथ जुड़े रहेंगे सनातन धर्म सभा भावानगर से निदेशक श्री संजय चौहान जी और उड़ान समाज के एनजीओ के डायरेक्टर विक्रांत, मैं नाम भूल गया शायद, एनजीओ उड़ान के वरी से भी रहेंगे। तो 7 बजे जुड़ना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा इस पेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये आपका अपना ही पेज है और इस पेज के द्वारा जुड़कर जो अपनी भावना हमारे किन्नौर के लिए सुंदर, सुशील और सुदृढ़ बनाना चाहते हो, हमारे संस्कृति और हमारी जो पूर्वजों की देन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पेज के साथ जुड़िए। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से कल मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।